लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थीं लेकर कब्र पर आईं, और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया और भीतर जाकर प्रभु यीशु की लोथ न पाई। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थीं, तो देखो दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रहीं, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वह यहां नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आईं, और कब्र से लौटकर उन्होंने उन ग्यारहों को और सबको ये सब बातें कह सुनाई। जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कहीं वे मरियम मगदलीनी और युअन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की और स्त्रियां भी थीं। परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी समझ पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति न की। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे, और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। देखो उसी दिन उनमें से दो जन इम्माउस नाम एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था, और वे इन सब बातों पर जो हुई थीं आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछपाछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थीं कि उसे पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नाम एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था, और महायाजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इसराइल को छुटकारा देगा, और इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है जो भोर को कब्र पर गई थीं, और जब उसकी लोथ न पाई तो यह कहती हुई आईं कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद मतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ा चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका कि हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन ग्यारहों और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी, और यह भी कि उन्होंने उससे रोटी तोड़ते समय क्यों कर पहचाना। वे ये बातें कही रहे थे
कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देखते हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं। मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहां तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भूनी मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थीं, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं, सब पूरी हों। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यों लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तब वह उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया, और वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे।